सबसे कम बता दे आपको बहुत टाइम हो गया। तो बहुत टाइम क्या किया दवाई है भाई? बस पेन किलर खाते रहते हो? बताओ फिर पेन किलर से क्या हुआ? ठीक हो गया? नहीं हो ना? सस्ता दो डॉक्टर को, ठीक है। तो फिर योगा एक्सरसाइज ऐसी कुछ नेचुरल चीजें किया करो ना, जिससे थोड़ा आराम आए आपको। अभी 3-4 दिन से आपने जैसे कैंप में दिया यहाँ पे, तो फर्क तो है ना? हाँ जी। अच्छा तुम्हें जाना? नहीं नहीं ठीक है, मेरा वेट ज्यादा लगे तो बता दें। थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है? चलाइए, वेट तो ज्यादा नहीं है। नहीं दीदी। अच्छा आराम से चलाइए, आराम से। चलाओ चलाओ। हाँ गुड। वेट ठीक है ना? ठीक है, जरा सा भी लगे बोल देना। टाँगों में हमेशा दर्द रहता है? बहुत ज्यादा, रात में सो ही नहीं पाती। अच्छा है। बस बस, इतने सालों से दर्द है, पेन किलर खा के खुद को खराब कर रखा है। कुछ चीजें नेचुरोपैथी की घर में करने के लिए बताऊंगी, वो जरूर कीजिएगा, ठीक है? हाँ, फिर उससे ऐसा है ना कि कुछ हम करेंगे कुछ आप करोगे तो जल्दी आराम आएगा ना। ठीक है, ठीक है ना? बस हिलाना, दर्द है ना? बस क्या हुआ, ज्यादा दर्द है? उसी साइड करो। बहुत है, बहुत दर्द है। बस 2 मिनट का ये दर्द दे दे, ठीक हो जाए। चलो सीधे रहो, सही आ रही है ना? थोड़ी स्पाइन सीधी कर लो, दोनों दिन को अकड़ के बैठो ना। हाँ इस तरह से। तो घर पे आपको फूटी पट्टी करनी है, ठीक है? आपका कॉटन का दुपट्टा है ना? हाँ जी। कॉटन का कपड़ा है जो, हाँ जी, उसको आप नॉर्मल वाटर में, टैप वाटर नॉर्मल बर्फ वाला पानी नहीं, उसमें भिगो लोगे, अच्छी तरह भीग जाएगा। फिर उसको निचोड़ के पेट पे बांधनी है, ठीक है? ठीक है। नाभि को सेंटर पॉइंट बना के, ठीक है, नाभि बीच में होनी चाहिए, 6 इंच ऊपर 6 इंच नीचे लेके कपड़ा बांधना है आपको 30 से 40 मिनट के लिए, ठीक है? ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि उसको पट्टी को लगाया होगा तो खाना मत खाना है, ठीक है? हाँ, उसको लगाकर खाना नहीं खाना है, 30 से 40 मिनट आप कर सकते हो उसको। इससे जो आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है उसमें काफी आराम मिलेगा आपको, जो भी इन्फ्लेमेशन होगी, पेट में दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा।
आपको घर पे सिकाई करनी हो, अगर लगे कि स्टीम का नहीं कर पाएंगे तो आप नमक की सिकाई कर सकते हैं, सेंधा नमक की, ठीक है, या रेता या फिर जो ईट होती है लाल वाली उसकी सिकाई कीजिएगा, उससे जैसे दर्द होता है आपको पीठ में या सर्वाइकल का, उससे वो काफी आराम आएगा।